अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ मटन शामी कबाब, जो खाने में बहुत ही लजीज हैं। तो चलें आज स्टार्ट करते हैं। करते हैं। ये मैंने गोश्त ले लिया है आधा किलो, बोटी वाला जो मतलब रूखा आता है वैसा, और चने की दाल है 2 कप, जो मैंने अच्छे से धो के इसको भिगा ली है, और नमक है, खड़ा धनिया है, मिर्ची है, 2 प्याज हैं कटी हुई, गरम मसाला है, इसमें सभी कुछ मिला हुआ है। देखिए, लौंग, इलायची, जायफल, जावित्री, सब इसमें मिक्स है, पुदीना है, अदरक, लहसुन, खड़ा जो मैंने छील के धो के काट के रख लिया है, ये 3 हरी मिर्ची हैं, ये कोथमीर है। ये बाद में जब हम इनको ग्राइंड करेंगे गोश्त को तो बाद में डालेंगे। सबसे पहले हम गोश्त को बॉईल करेंगे, जिसमें ये चने की दाल डलेगी, धनिए, प्याज, लाल खड़ी मिर्च, गरम मसाला, अदरक लहसुन और नमक डालेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुकर लेते हैं। चलिए हम सबसे पहले गोश्त लेते हैं। इसको मैंने पहले धोकर रख लिया था। अदरक लहसुन डाल रहे हैं और ये सारा गरम मसाला भी डाल देते हैं। ये 3-4 लाल खड़ी मिर्ची ली है, इसको भी डाल रहे हैं। ये 2 छोटी प्याज ली थी, इनको भी डाल रहे हैं। ये सब मैंने धो के पहले से ही रख लिया था। ये 2 चम्मच खड़ा धनिया ले रहे हैं। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले लीजिए। 2 दाल को हम थोड़ा, जब गोश्त थोड़ा बॉईल हो जाएगा, दाल को हम बाद में डालेंगे। पानी डाल रहे हैं, इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। आप अपने हिसाब से भी पानी डाल सकते हैं। अपना ये ढक्कन लगा के इसको उबलने रख देंगे। अब हम गैस ऑन कर रहे हैं और इसे कम से कम 7-8 सीटी तक पकाएंगे। चलिए, ये अब हमारा, अब हमने गैस ऑफ कर दिया है और ये हमारा ठंडा भी हो गया है। 4-5 सीटी के बाद अब हम इसमें खोल के देख लेते हैं। अब हम इसमें चने की दाल ऐड कर रहे हैं और फिर से इसे उबलने, बॉईल होने रखेंगे। इसे अच्छे से मिला के और फिर से बॉईल होने रख दें। अब हम इसकी 4-5 सीटियां और करवा के, फिर 5 सीटियां आ चुकी हैं। अब हम गैस को ऑफ कर रहे हैं। गोश्त गल चुका है, अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने रख देंगे, फिर उसके बाद इसे ग्राइंड करेंगे। गोश्त का ये हमारा बीफ अब ठंडा हो चुका है, अब हम इसे ना ग्राइंड करेंगे। मैंने ये 2 छोटी प्याज और ली है, जो इसमें मैं अब ग्राइंड करूँगी। पुदीना, हरा धनिया और ये ग्रीन चिली प्याज, अब इन सब चारों में, इन सब चारों को इसमें मिला के इसे ग्राइंड कर लूँगी। इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करके के गोल गोल गोले बना के सर्कल में फिर इसे हम फ्राई करेंगे। अब
अब हम इतने से इसके गोले बना के सर्कल में इसको अच्छे से शेप देंगे। फिर हम फ्राई करेंगे। कबाब तैयार कर लिए हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये ऑयल हो जाने के बाद फिर कबाब तलेंगे। अब हम इसमें कबाब डाल रहे हैं। हमारे शामी कबाब तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।